नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लास्ट टाइम बातें कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। उस पर खूब सारे सवाल हैं, मतलब वही वही सब खेला आज के खेलने वाले सवाल पे सवाल। एक सवाल शायद होमवर्क में दिया था, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से था, यहाँ पे था इंक्लाइन प्लेन, शायद यहाँ पे था इंक्लाइन प्लेन जो कि फिक्स था, और यहाँ पे धरातल, ये वाला एंगल था 37 डिग्री, और हाइट आपको दी हुई थी ये वाली 2 मीटर। कितना दिया हुआ था? 2 मीटर आपको हाइट दिया हुआ था। और यहाँ से एक ब्लॉक रिलीज किया गया था, ब्लॉक का मास था आपके लिए 1 केजी। कितना था? 1 केजी। और यहाँ पे म्यू आपके लिए था 0.2, और यहाँ पे म्यू 0.2 ही था, मतलब यहाँ पे और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे, यानी यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे यहाँ पे स्प्रिंग रखी हुई थी जो कि नेचुरल लेंथ में थी, पहले दीवार से फंसा के रखी हुई थी, और इसका के आपको दिया हुआ था 50 न्यूटन पर मीटर। आपको बोला था कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है। तो क्या होगा भाई साहब, ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आएगा, डर इसे जाके टकराएगा, इसको कंप्रेस करेगा। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉक यहाँ से भागा, टिक 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 टिक, आया 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 आया, और मान लो कि यहां तक पहुंच गया और इसको कंप्रेस कर दिया है, यहां से एक्स कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया है? एक्स कंप्रेस कर दिया है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? ये है मेरे लिए इनिशियल पोजिशन और ये है मेरे लिए फाइनल पोजिशन। क्या यूज किया जाएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया जाएगा। किस किस ने वर्क किया है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वो ये क्या इनका स्प्रिंग होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये होना चाहिए। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इनका यहां से यहां तक इस लेवल का है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। कितना होगा? एमजीएच। वो इनिशियल एंड फाइनल लेवल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो एमजीएच यानी कि एमजी इज 10 और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा क्योंकि वो हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अगर बात करें अपन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो फ्रिक्शन बेसिकली यहां तक इसके लिए लग रहा होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन जो है वो आपके लिए म्यू इंटू एन है। फ्रिक्शन क्या है? म्यू इंटू एन है। तो यहां पे जो एन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। क्या हो जाएगी? mg cos थीटा। मैंने कहा अच्छा, mg की वैल्यू होगी 1 × 10 × cos थीटा है आपका 4/5, यानी कि क्या है 8 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन था, यहाँ फ्रिक्शन क्या था, सॉरी नॉर्मल क्या था? 8 न्यूटन। अच्छा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने कहा म्यू इंटू एन है, म्यू की वैल्यू क्या है 1/5 है इंटू 8, यानी कि 8/5 आपके लिए क्या आ गया है? फ्रिक्शन आ गया जो कि उधर लग रहा होगा। और आपके पास जो ब्लॉक है वो यहां से यहां पर आया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने लिए क्या हो जाएगा? अपन यूज करेंगे sin 30। इस वाली दूरी को एल बोल देते हैं। तो आपके लिए जो sin 37 डिग्री है, sin 37 डिग्री दो हो जाएगा 2/L जो कि 3/5 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके लिए? 10/3, 10/3। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया होगा? तो आपका वैल्यू आएगा भाई साहब, फ्रिक्शन जो है वो आपका था म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 1/5 हो गई है इंटू आपके लिए जो ये दूरी है, नॉर्मल था 8, तो 8/5 हो गया फ्रिक्शन, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 8/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट था आपके पास 10/3 × −1, क्योंकि बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री था। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 20, और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? 80 डिवाइडेड बाई 15। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप यहां से यहां तक की बात करें तो फ्रिक्शन का वर्क और आएगा। मैंने कहा कि कितना है यहाँ पे नॉर्मल? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल 10 हो जाएगा तो म्यू इंटू एन से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5 × 10, यानी कि आ जाएगा आपके पास 2 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। तो वर्क डन क्या होगा? मैंने कहा 2 × डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 + x आ जाएगा भाई साहब यहां से लेके यहां तक, और -1 इस बात के लिए कि भाई साहब पीछे की तरफ आपके पास फ्रिक्शन लग रहा होगा, आगे इसका
डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, मैंने कहा ये कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यू इनिशियल आपके लिए क्या है, जीरो है। फाइनली क्या होगा, मैंने कहा हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनली हाफ के एक्स स्क्वायर है। के की वैल्यू क्या है, 50 है, हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स है, यानी एक्स ही फाइनली कंप्रेशन आपका एक्स हो गया है। तो हाफ की एक्स स्क्वायर आपके लिए ये टोटल वर्क डन आ गया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू, ये टोटल वर्क डन हो गया भाई साहब, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, जब ये एक्सट्रीम कंप्रेस कर देगा ये रुक जाएगा एक मूवमेंट के लिए कंफर्म, तो यहाँ पे आपके पास वी की वैल्यू जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और इनिशियली क्या किया गया है, उसको रिलीज किया गया, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में कौन है, अननोन एक्स है भाई साहब, क्या सॉल्व करके एक्स पता किया जा सकता है, मैंने कहा वैल्यू ऊपर ने रेंडम ऐसे ही रखी है, तो भाई साहब जो है कुछ भी आएगा सॉल्व करके, जो भी एक्स सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सवाल बना लेते हैं आपके लिए, तुरंत सॉल्व करें। एक स्प्रिंग है, यहाँ पुली डाल देते हैं, यहाँ पे है स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे बांध दिया, यहां से मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अच्छा, इनिशियली स्प्रिंग कहां थी, नेचुरल लेंथ में, क्या थी, नेचुरल लेंथ में। नीचे आपने हाथ रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, हाथ रखा है, ऐसे सपोर्ट रखा है, और आप स्लोली स्लोली इसको नीचे जाने दे रहे हैं, कैसे जाने दे रहे हैं, स्लोली 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 स्लोली। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, कितना एक्सटेंशन होगा, एक ये पूछा गया आपसे। और ऐसा ही सवाल बनाया, ऐसा ही आपसे सवाल बनाया, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे ये ब्लॉक लगाया हुआ है, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये अभी थी नेचुरल लेंथ में, कहाँ थी, नेचुरल लेंथ में, और ये वाले ब्लॉक को क्या कर दिया है, रिलीज्ड कर दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहां पे भी आपसे पूछा गया है मैक्सिमम इलोंगेशन, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम इलोंगेशन। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या दोनों सवाल अलग अलग है, जरा ध्यान से सोचिए, कीजिए, ये वन कर देते हैं या इसको टू कर दीजिए और कर देते हैं, थोड़ा और वेरिएशन लाते हैं। मान लो कि आपको कल को कोई बोल दे कि हमने एक ऐसी स्प्रिंग रख दी, खैर यहाँ पे स्प्रिंग रख दी है, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए के है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, और यहाँ पे है हमारे पास एक ब्लॉक, मान लीजिए कि कितने केजी का है, 1 केजी का है, और इसको मान लीजिए 5 मीटर की हाइट से अपन गिरा रहे हैं, कहाँ से गिरा रहे हैं, 5 मीटर की हाइट से, और के की वैल्यू मान लीजिए आपको दी है 100 न्यूटन पर मीटर। आपसे पूछा जाए ये स्प्रिंग जो है ऐसी है, उसके ऊपर ब्लॉक आके टकराता है, डर ऐसे कंप्रेस होगा, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जब तक कुछ ना कहा जाए तो स्प्रिंग कैसी है, मासलेस स्प्रिंग है। अच्छा भाई साहब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्लॉक स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, स्लोली स्लोली नीचे जाएगा, तो कब स्लोली स्लोली का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक्जेक्टली बराबर हो जाएगा, तब क्या ये रुक जाएगा, तब आपके सपोर्ट का फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना, अन्यथा आपको नॉर्मल लगाना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा ऊपर का खींचने वाला और ये नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, नीचे इस पे क्या लग रहा है, नीचे इस पे एमजी लग रहा है, क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा होगा, यानी का kx लग रहा होगा, x इसमें इलोंगेशन है, तो x की वैल्यू kx जब किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर, यानी कि x की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाए, mg डिवाइडेड बाई k आ जाए, इतना इलोंगेशन होगा मैक्सिमम इसमें, और इतने इलोंगेशन के बाद ये रुक जाएगा।
अच्छा रिलीज करने पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा रिलीज में भाई साहब ये नेचुरल लेंथ है, अपने इसने अपने अपने इसको रिलीज कर दिया तो ये धड़म से ऐसे नीचे आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसमें इलोंगेशन में kx is equal to mg हो जाएगा, लेकिन तब तक इसमें स्पीड आ जाएगी और ये नीचे की तरफ और जाएगा, फिर उसमें रिटार्डेशन हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम तब तक नीचे जाएगा जब तक कि इसकी स्पीड जीरो ना हो जाए। क्या ना हो जाए? स्पीड जीरो ना हो जाए। अच्छा बहुत बढ़िया, मान लीजिए कि कितना नीचे गया है, एक्स नीचे गया है। अच्छा बहुत बढ़िया, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगा है आपके लिए, वर्क एनर्जी लगा लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, क्योंकि दो एक फोर्स जो लग रहे हैं वो कौन कौन से? कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? यूआई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल है। यूआई की बात करें तो ये थी अपनी नेचुरल लेंथ पे, और आप लेवल को यहाँ ले लीजिए, ग्रेविटेशन के लिए अपने लेवल यहाँ ले लिया है, तो आपके पास वो यूआई स्प्रिंग का होगा वो जीरो हो गया है। ब्लॉक आपके पास था mgh, एक्स की वैल्यू x हो गई, x मैंने मैक्सिमम इलोंगेशन लिया है जहां पे ये नीचे जाके एक मूवमेंट के लिए रुक जाएगा, वापस भाग के आएगा, यानी कहीं यहाँ पे ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे करता रहेगा, है ना, पूरा एक चैप्टर बन जाएगा HSM। खैर वो बातें बाद में करेंगे, अभी तो अपन पता कर रहे हैं मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। मैंने बोल दिया x होगा, mgx आ गया। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा जीरो है। अगर आप फाइनल की बातें करें, क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, और फाइनल जो है आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने यहीं पे रेफरेंस लिया है, तो यहाँ का जीरो हो गया, तभी तो यहाँ का जीरो प्लस mgx आया होगा यार। अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जीरो नहीं है तो मैं काट सकता हूं, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए? 2mg/k, यहां पे आई थी mg/k, यहां पे आ रही 2mg/k, यानी यहां पे इलोंगेशन इसका डबल होगा, 2mg/k नीचे जाएगा, यहां से mg/k यहां वाला और mg/k यहां वाला, यहां पे मेन पोजीशन रहेगी mg/k ऊपर नीचे डेढ़ 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 डेढ़, ये ऐसे करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपन अपने आप में एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो गया? मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है। यहाँ पे क्या है? ब्लॉक है 1 kg का, 5 मीटर की हाइट से स्प्रिंग पे उसको डाल दिया है, स्प्रिंग का के आपको 100 Nm/m दिया हुआ है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं मान लिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। तो स्प्रिंग कैसी हो जाएगी भाई साहब? ऐसी हो जाएगी, और ब्लॉक यहां आके रुक जाएगा इसके ऊपर, इसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी। उनका ये है इनिशियल कंडीशन, ये है आपकी फाइनल कंडीशन, दोनों के बीच में आप क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। या फिर इस पर्टिकुलर केस में दोनों फोर्स जो भी लग रहे हैं वो कैसे हैं? कंजर्वेटिव है, तो क्या आप मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं? मैंने कहा हाँ। तो देखिए जरा ध्यान से, यूआई प्लस यू फाइनल प्लस के फाइनल, सॉरी इनिशियल, माना कि मैंने रेफरेंस लेवल को यहीं पे ले लिया है, तो मेरे लिए पहली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल वाली वो क्या हो जाएगी भाई साहब? mgh, m आपका क्या है? 1 है, g की वैल्यू क्या है? 10 है, और यहां से हाइट क्या हो जाएगी? 5 + x, क्या हो जाएगी? 5 + x। मैंने कहा अच्छा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, काय को कि इसको यहां से रिलीज किया है, क्या किया है? रिलीज किया है, कि इनिशियल स्पीड हो जाएगी जीरो। अच्छा भाई साहब, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें करें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपके लिए जीरो, क्योंकि यहीं पे आपने रेफरेंस लिया है। प्लस आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगी आपके लिए? हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है आपके लिए? 100 है, इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है? ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि हो जाएगी जीरो, काय को कि अपन बातें कर रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन की, जहां पे रफ्तार क्या हो जाएगी? जहां पे रफ्तार हो जाएगी
आपके लिए जीरो हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो 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 जीरो, तो ये वाले 10 से अपना क्या कट गया है, ये 10 कट गया और ये वाला क्या हो गया है आपके लिए 5 हो गया है। तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर है, 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो भी ये इक्वेशन आ रही है x की जो भी पॉजिटिव वैल्यू इसका आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल थे नहीं। धीरे 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 एक और सवाल बनाते हैं स्प्रिंग वाला, फिर आगे और पढ़ते हैं चेन वाले कुछ सवाल देखते हैं, इसको उड़ा देते हैं पहले। चलिए एक थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मास m है, इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है, क्या है स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये बंधी हुई है मास 2m से, ठीक है, और ये पूरा कार्यक्रम जमीन से h हाइट ऊपर रखा हुआ, कितनी हाइट h हाइट ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, टिक 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 टिक। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, और इस पूरे सिस्टम को वहां से क्या किया अपन ने रिलीज कर दिया, यहां से एच हाइट से इस पूरे आइटम को अपन ने रिलीज कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ओहो ये आता है और इससे टकराता है, ये 2m जो है आएगा और इससे टकराएगा, और आपसे बोला गया कि e जीरो है, e जीरो e यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि मतलब जो है टप्पा खाने के बाद में इसकी स्पीड जीरो है, आसान भाषा में कहें तो ये 2m यहां पे आया टकराया और रुक गया, 2m यहां आया और टकराया और रुक गया, मतलब टप्पा खाने के बाद में वो रुक गया वहां पे, वापस जंप लगा के नहीं गया। ऐसा आगे जाके अपन बातें करेंगे कोलिजन में कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो सवाल की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि 2m आता है इससे टकराता है और रुक जाता है, 2m आता है सरफेस से टकराता है और रुक जाता है ना, आगे जाके उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो। बातें करेंगे भाई जब कोलिजन होगा उसकी बातें करेंगे, कौन सा चैप्टर सर्कुलर मोशन के बाद में अपन बातें करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वहां पे तो ये 2m आता है और इसे टकरा के रुक जाता है, क्या होगा फिर भाई साहब आपसे पूछा गया, फिर क्या 2m ऊपर भी कूद सकता है, मैंने कहा फिर 2m ऊपर कूद सकता है अगर स्प्रिंग ऊपर खींचे तो, है कि नहीं है। अच्छा आपसे सवाल बोला गया कि फाइंड दी मिनिमम हाइट ऑफ फाइंड दी एच मिनिमम सो दैट 2m जस्ट lifts from the surface again, यानी फिर वो जो है सरफेस को अलविदा बोल के ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करें तो बताइए कि ये h जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, मतलब जो h है मिनिमम उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 2m टकराने के कारण नहीं कूद रहा है, स्प्रिंग उसको ऊपर खींचेगी और वो जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए, तो एच की वो मिनिमम हाइट बताइए जिससे कि ये घटना घटित हो जाए। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये कार्यक्रम यहां पे जस्ट टकराएगा, जब ये यहां पे टकराएगा जस्ट इस दौरान स्प्रिंग क्या अपनी नेचुरल लेंथ में होगी कि नहीं होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल होगी भाई साहब, और ये एम जो है यहां पहुंच जाएगा, ये पूरा कार्यक्रम स्प्रिंग यहां पे है, इस दौरान फ्री फॉल कर रहा होगा, m की रफ्तार क्या हो जाएगी वी स्क्वायर यू डी यू स्क्वायर प्लस 2s, u की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू, तो आप h यहां से ये अगर m h नीचे आया है तो ये भी यहां से यहां तक क्या आया होगा h नीचे आया होगा, इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, मैंने कहा 2gh, क्या हो जाएगी 2gh, कैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आपका u था 0, एक्सेलरेशन थी g और हाइट ये थी v की वैल्यू क्या होती अंडर रूट ऑफ 2gh, यहां पे रफ्तार थी। अब क्या हुआ मैंने कहा इसने कोई जंप नहीं लगाया, मैंने कहा अच्छा क्या होगा ये आएगा नीचे फिर क्या ऊपर जाएगा, मैंने कहा हाँ यहां पे स्प्रिंग कहां पे है, यहां तक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, कहां पे है नेचुरल लेंथ में, ये कुछ कंप्रेस करेगा, मैंने कहा यहां तक आ गया फिर क्या होगा, फिर मैंने कहा वापस आएगा यहां तक, जब तक ये वापस यहां तक आएगा क्या इसकी फिर से रफ्तार ऊपर की तरफ अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगी, मैंने कहा हाँ क्यों, क्योंकि बीच में कोई एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये हालचाल हो गया है, 2m यहाँ पे बैठा हुआ है चिपका हुआ, और आपका हो क्या रहा है कि ये जो m है इसकी वापस, और ये पहले कंप्रेस हुई और फिर कहां आ गई नेचुरल लेंथ, अब क्या m ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने कहा हाँ m ऊपर की तरफ जाएगा क्या इसमें इलोंगेशन होगा, मैंने कहा हाँ, क्या 2m के ऊपर जो kx लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ तो क्या 2m ऊपर भी उठ सकता है, मैंने कहा हाँ,
ऊपर उठने के लिए मिनिमम इसमें टेंशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम इसमें टेंशन क्या होनी चाहिए? तू बोलेगा भाई साहब कि नीचे इस पे लग रहा है 2mg, अगर इसको टेक ऑफ करना है तो ऊपर की तरफ जो kx लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट जो है वो 2mg के बराबर होना चाहिए, यानी इलोंगेशन जो है स्प्रिंग के अंदर क्या होना चाहिए 2mg by k। इलोंगेशन तो तब होगा ना जब ये नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा, मैंने कहा हाँ यहां पहुंच जाए भाई साहब, यहां पहुंच के भी रुक जाए एटलीस्ट, मिनिमम यहां पहुंचना चाहिए और ये वाली हाइट आपके लिए क्या होनी चाहिए, ये वाली हाइट आपके लिए मिनिमम होनी चाहिए 2mg/k, ताकि ये जस्ट टेक ऑफ कर जाए, क्या कर जाए जस्ट टेक ऑफ। तो ये आपकी है इनिशियल पोजीशन, ये है आपकी फाइनल पोजीशन। या फाइनल पोजीशन में हुआ क्या होगा कि ये ब्लॉक m है, यहां पे जो ये 2m रखा हुआ है इसके ऊपर की तरफ फोर्स अब क्या होने लगा है 2mg के बराबर फोर्स होने लगा है, और ये नेचुरल लेंथ से ऊपर की तरफ है, कितना ऊपर है 2mg/k, 2mg/k। मैंने कहा अच्छा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में क्या लगा दे भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, क्या लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, या फिर मैकेनिकल एनर्जी का अंदर लगा दे, क्योंकि भैया आपके लिए जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, या है ना। तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल है। UI की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपके पास स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है तो जीरो हो गया है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और रेफरेंस लेवल मान लीजिए मैंने यहां लिया है तो मेरे लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई है जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैंने कहा वो हो जाएगी 1/2 मास आपका है m और रफ्तार है √2gh का स्क्वायर, उनका अच्छा दैट इज इक्वल टू यू फाइनल। अब आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ गया है रेफरेंस लेवल से, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh, m आपका m है, जी आपका जी है, एच की वैल्यू क्या है 2mg/k, इतना मिनिमम ऊपर आपको जाना ही चाहिए, ये आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। प्लस स्प्रिंग में आ गया इलोंगेशन, तो क्या एनर्जी हो जाएगी ½ kx² और x वहां पे इलोंगेशन होगा जो कि है आपके पास 2mg/k का होल स्क्वायर है, इनका अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन कौन है आपके पास, एच है, और जो भी आपके पास सोल्व करके आएगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा एच मिनिमम हो जाएगा, ये वो वाली हाइट होगी जहां से इसको रिलीज किया जाए तो 2m जो है वो स्प्रिंग फोर्स के कारण जस्ट टेक ऑफ कर जाएगा, इससे ज्यादा रखोगे कि फिर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि फिर उस वाले केस में ये 2mg/k पे जाके रुकेगा नहीं ना, थोड़ा आगे भी जाएगा तो थोड़ा आगे जाएगा तो इलोंगेट जो इसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स 2mg से ज्यादा होगा तो 2mg नीचे लग रहा है, 2mg ज्यादा ऊपर लगेगा तो ये ऊपर की तरफ कट लेगा ना भाई साहब। तो हमने क्या किया है UI प्लस KI इज यू फाइनल प्लस के फाइनल, ये रफ्तार √2gs से ऐसे आ रहा है तो वापस भी √2gs से जा रहा होगा स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, मैंने रेफरेंस लेवल यहीं पे लिया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई और स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में है तो बेसिकली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो हो गई, प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये रुका हुआ है इसकी रफ्तार जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी की हो गई, और बाद में जो है ऊपर भी तो यही गया नहीं तो जस्ट टेक ऑफ करने वाला, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, h की वैल्यू 2mg/k होना चाहिए। 2mg/k कहां से पता लगा, यहां से पता लगा स्प्रिंग में खींचने वाला फोर्स जो है। अच्छा ये x यहां से क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि x कहां से लिया जाता है फोर्स, अगर kx लिख रहे हैं तो x इज इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ, फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग फोर्स में kn टू x में x कहां से होता है नेचुरल लेंथ से होता है, तो आपके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी 2mg/k मिनिमम चाहिए x की वैल्यू, इसका यहां पे भी जाके रुक जाएगा जस्ट ये टेक ऑफ कर जाएगा, यानी आपके पास ये वाली दूरी 2mg/k आ गई, आपने यहां की काइनेटिक एनर्जी लिख दी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी mgh में 2mg/k डाल दिया है, mg प्लस ½mg प्लस ½kx² ½k की वैल्यू k है, x की वैल्यू आपके पास होगी 2mg/k, यानी कि जो इलोंगेशन है वो 2mg/k² कर दीजिए, सॉल्व करके h आपके पास जो है वो इसका आंसर आता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और वेरायटी के सवाल अपन देखते हैं भाई साहब, किस तरह की वैरायटी के सवाल देखें, किस तरह की वैरायटी के देखें, चेन वाले सवाल देख लेते हैं। मान लो कि एक स्प्रिंग, हाँ
मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्या है भैया, हमारे पास एक टेबल है, क्या है एक टेबल है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार, और हमारे पास एक चेन है ऐसे टिक 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 जो अपन ने ऐसे लटका के रखी हुई, और इसकी टोटल लंबाई टोटल मास जो है चेन का यूनिफॉर्म चेन है, कैसा है यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म चेन है, लेंथ एल है मास एम है, लेंथ एल है और मास एम है। अच्छा अगर मान लो कि यहां फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या ये ऐसे रखी हुई रह पाएगी। मैंने कहा नहीं, जैसे ही आप ऐसे रखोगे ये भाग जाएगी, ऐसे ही भाग जाएगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जो ये चेन है इसकी लंबाई एल है, मिनिमम एक्स की वैल्यू कितनी हो अगर यहां का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का म्यू हो, कितनी एक्स की मिनिमम वैल्यू बताएं जितनी आपको ऊपर रखनी पड़ेगी ताकि यहां पे स्लाइडिंग नहीं हो, है ना। फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड दी एक्स मिनिमम सो दैट चेन विल नॉट स्लिप डाउन। अच्छा स्लिप डाउन दी टेबल, डाउन दी टेबल, टेबल से भाई साहब स्लिप होके नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो बताइए कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैंने कहा मैंने एक्स को एक्स मान लिया, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी मेरे लिए, ये वाली है एल माइनस एक्स। मैंने कहा एल माइनस एक्स के ऊपर जो एमजी लग रहा होगा वो है खींचने वाला, रोकने वाला कौन होगा। मैंने कहा वो यहां का फ्रिक्शन होगा, वो क्या होगा यहां का फ्रिक्शन होगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो एल मास, एल लेंथ का मास है एम, यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा एम बटा एल हो जाएगा, एम बटा एल हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो एक्स लेंथ का क्या हो जाएगा आपके लिए, इसका मास हो जाएगा आपके लिए एम बटा एल इन टू एक्स, और इसका मास क्या होगा, इसका मास हो जाएगा आपके लिए एम बटा एल इंटू एल माइनस एक्स, एम बटा एल इंटू एल माइनस एक्स, इतना मास हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे रोकने वाला कौन है, मैंने कहा फ्रिक्शन, और वो मैक्सिमम क्या लग सकता है, मैंने कहा उसके लिए नॉर्मल निकालना पड़ेगा, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा m बटा l into g इतना लग रहा होगा, यही तो नॉर्मल की वैल्यू बराबर हो जाएगी ना यार। तो यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है f लिमिटिंग, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा म्यू इंटू एन है, म्यू की वैल्यू म्यू है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है आपके लिए एम बटा एल एक्स जी, ये है रोकने वाला मैक्सिमम पॉसिबल। खींचने वाला फोर्स क्या होगा, मैंने कहा ये वाले का भाई साहब का एम जी, ये वाले का एम जी, ये वाले का मास क्या होगा, मैंने कहा एम बट्टा एल इंटू एल माइनस एक्स, ये तो मास हो गया इंटू जी कर डालिए, इतना है आपके पास खींचने वाला, और ये अगर इसके बराबर हो जाए यानी मैक्सिमम जो है ये पॉसिबल है अपने पास, इससे अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए यानी कि एम बट्टा एल एल माइनस एक्स इंटू जी ये बराबर हो जाए तो एम बटा एल और एम बटा एल गायब हो गया है, यानी कि आप जी और जी आपका गायब हो गया है, म्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया है, एक्स की वैल्यू आ गई है आपके लिए, यहाँ पे एक्स ले आइए तो एल अपॉन वन प्लस म्यू, एल अपॉन वन प्लस म्यू, इतना जो है मिनिमम लेंथ आपको ऊपर रखनी ही पड़ेगी, एल अपॉन वन प्लस म्यू, इतनी मिनिमम लेंथ आपको रखनी ही पड़ेगी ताकि जो है ये स्लिप ना करे। इससे ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, मैंने कहा इससे ज्यादा रखोगे तो भाई आराम से रहेगी, इसे कम रखोगे तो डर स्लिप करके नीचे आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार। मान लीजिए कि क्या हुआ इतनी लेंथ ऊपर थी सही है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा जर्क दिया, मैं थोड़ा सवाल को चेंज करते हैं, ये तो पता लग गया कि ऊपर की तरफ क्या होनी चाहिए, L अपॉन वन प्लस म्यू है, L अपॉन वन प्लस म्यू है। थोड़ा सा सवाल को अपन चेंज करते हैं, लेंथ है अपने लिए ऊपर की तरफ L अपॉन वन प्लस म्यू। अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार, यहां पे हमारे पास टेबल है, मान लो सवाल अपने थोड़ा चेंज कर दिया, यहां पर ये होगी अपनी टेबल, इसके ऊपर अपन ने क्या रख दिया है, अपने चेन रखा टिक 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 टिक
और ये वाली लंबाई है अपने लिए एल अपॉन वन प्लस म्यू। तो ये क्या होगी, मैंने कहा एल में से घटा दे भाई, और यहां पे आपके पास जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पे क्या है, वो आपका म्यू है, वो क्या है म्यू है एन का। अच्छा बहुत बढ़िया, क्या ये स्टेबल अभी रुकी हुई होगी, मैंने कहा हाँ ये चेन आपकी यहाँ पे रुकी हुई थी, यहाँ पे रुकी हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अपना मन हुआ एक छोटा सा जर्क लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया अपने एक छोटा सा जर्क लगा दिया, थोड़ा सा खींचा इसको डर ऐसा खींचा और रिलीज कर दिया, थोड़ा सा खींचा और क्या कर दिया रिलीज कर दिया, जर्क लगा टक। अब क्या होगा, उनका अब ये नीचे भागने की तरफ लग जाएगी, है ना, नीचे डर नीचे आने लगेगी, क्योंकि जस्ट ऐसा हालचाल था कि ये वाला फ्रिक्शन है इसकी औकात को बैलेंस कर रखा था, थोड़ा सा तूने अगर ऐसे खींच के छोड़ा होगा तो अब ये धीरे धीरे ऐसे भागने लग जाएगी। थोड़े टाइम बाद में मान लीजिए कि ये पूरी ऐसी हो गई है, जस्ट वर्टिकल हो गई है, कैसी हो गई है जस्ट वर्टिकल, यानी आप पूरी की पूरी जो एल लेंथ है वो आपकी ऐसी हो गई है। आपसे पूछा जाए कि यहां से जब ये चेन यहाँ पे गई होगी, यहाँ पे जब ये चेन ऐसे जा रही है, तो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फाइंड दी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है ये बात आपसे पूछी गई है। फाइंड दी वर्क डन बाई फ्रिक्शन, जब ये ऐसी रखी हुई चेन जो है ऐसे हो जा रही है, तो आपसे पूछा गया कि फ्रिक्शन ने कितना कार्य किया है, फाइंड द वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, अब कैसे पता करेंगे, मैंने कहा म्यू इंटू एन जो है फ्रिक्शन होता है, लेकिन एन तो होता है यहाँ पे एम जी के बराबर है, एम जी यानी मास ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर वाला मास तो वेरिएबल है, क्योंकि अभी तो लेंथ इतनी है, वो स्लोली स्लोली कम होते होते क्या हो गई है जीरो हो गई, तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है, मैंने कहा हाँ। यहाँ पे आपके पास जो है लेंथ थी क्या थी, एल अपॉन वन प्लस म्यू थी, जो कि बाद में क्या हो गई है जीरो हो गई है। अच्छा तो हमको एलिमेंट लेके खेलना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी मोटाई क्या है dx है, इसका मास क्या होगा, इसका मास dm होगा, कि कितना होगा, मैंने कहा m बटा l इंटू डी ए, अरे भाई यूनिट लेंथ का हो गया m बटा l है, तो dx लेंथ का क्या हो जाएगा dm हो जाएगा। ये dm जो है कहां से चल के आ रहा है, मैंने कहा ये यहां से चल के यहां तक आ रहा है, यानी वो x दूरी तक चल रहा है, और इस dm के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा, ये जो dm है इस डीएम पे नीचे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा डीएम जी लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा, फ्रिक्शन की किधर लग रहा होगा, मैंने कहा इधर लग रहा होगा, क्या होगा उस छोटे से फ्रिक्शन की वैल्यू, ये बोलेगा भाई साहब कि डीएम जी होगा, और डीएम आपके लिए क्या है एम बट्टा एल जी डी एक्स, इतना आपके पास एक छोटा सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरह। चलिए भाई साहब तो ये जो डीएम है वो डीएम कहां से कहां तक जा रहा है, मैंने कहा यहां से यहां तक जा रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपन बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो डीएम है इस पे फोर्स लग रहा है आपके लिए एफ, इस पे फोर्स लग रहा है पीछे के लिए फ्रिक्शन, और ये यहां से चल के कहां तक जा रहा है एक्स तक जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, मैंने कहा थोड़ा सा वर्क डन होगा फ्रिक्शन का डी डब्ल्यू बोल देते हैं, जो कि आपके पास क्या होगा, मैंने कहा एफ है इस साइड में, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स है माइनस का आई को कि बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका माइनस, और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है आपके लिए, वो है आपका एम जी बटा एल, अच्छा इंटू क्या है, मैंने कहा एक्स डी एक्स इंटू क्या है एक्स डी एक्स, और लिमिट अगर आप ध्यान से देखें तो कहां से कहां तक जा रहा है एक्स आपका जीरो से लेके आपका जा रहा है एल अपॉन वन प्लस म्यू तक, जीरो से लेके एल अपॉन वन प्लस म्यू तक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ एम जी एल, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट आपकी आ गई है एल अपॉन वन प्लस म्यू का होल स्क्वायर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, एक एल से आपका एक एल कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ऑफ एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ वन प्लस न्यू का होल स्क्वायर। एक एल से एक एल कट गया, ऊपर बच गया आपका माइनस ऑफ एम जी एल, नीचे की तरफ है ट्वाइस ऑफ वन प्लस न्यू का होल स्क्वायर, इतना आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, कब से तब से यहां से लेके यहां तक जाएगा। अब मैंने कहा कोई आपसे पूछे इसी सवाल में पूछता फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन,
और सेकेंड पॉइंट में पूछ ले कि यहां जब यहां जा रहा है तब इस पूरे पार्टी पूरे आइटम की रफ्तार क्या है, वी है। रफ्तार क्या है, वी है। ये वी रफ्तार से जा रहा है, जंग लगा तो यहां इनिशियल रफ्तार आपकी जीरो थी, अब ये वी से जा रहा है। फाइंड दिस वी, फाइंड दिस वी, वी बता दीजिए भाई साहब, वी बता दीजिए। तो आप बोलेंगे भाई साहब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा मैं, इनिशियल कंडीशन यहाँ थी, फाइनल कंडीशन ये है, वर्क डन रही बाय ऑल दी फोर्सेस। मैंने कहा वर्क डन आएगा आपका ग्रेविटी का, प्लस वर्क डन आएगा आपका नॉर्मल का, प्लस वर्क डन आएगा आपके पास फ्रिक्शन का, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो ये पूरा कार्यक्रम ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास किया थोड़ा, तो सेंटर ऑफ मास समझिए कि बॉडी का मिड पॉइंट समझिए, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में बातें आगे करेंगे। एमजीएच में जो एच हाइट होती है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है, या फिर बॉडी या फिर हर एक पार्टिकल का एमजीएच पता करो इंटीग्रेट करके। तो ये पूरा कार्यक्रम तो एच हाइट पे रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो एम या इस वाले कंडीशन में अगर अपन बात करें तो एमजीएच में एमजीएच में एच कौन से वाले पॉइंट के लिए, ये पॉइंट की कौन से पॉइंट के लिए, इसलिए अपन कौन से पॉइंट के लेंगे, सेंटर वाले पॉइंट की, जो कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास होता है। एमजीएच में एच इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर बात करें अपन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल आपका जीरो आएगा क्योंकि वो सरफेस की परपेंडिकुलर था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो ये रहा भाई साहब, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है वो ये रहा है। अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे तो ये वाला भी अपने को प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेफरेंस लेवल यहां ले रहा हूं, यहां क्या ले रहा हूं मैं रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल। अगर मैंने यहाँ पे रेफरेंस लेवल ले लिया तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है पहले जिसकी लेंथ है L अपॉन वन प्लस म्यू, इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। और बचा कुछ पार्ट जो है, मान लीजिए कि ये वाली दूरी जो है आपका है L अपॉन L वन प्लस म्यू, यानी इसको उधर ले जाइए तो ये और हो गया है L, और L से L का घट गया, म्यू L अपॉन वन प्लस म्यू, इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैंने रेफरेंस लेवल यहां लिया है तो ये वाले पार्ट टोटल लंबाई है इसका आधा पार्ट यहां तक लंबाई क्या हो जाएगी, मैंने कहा वो हो जाएगी म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू का आधा, यानी बटा टू कर दीजिए, इतनी होगी भाई साहब, है कि नहीं यार, काय को टोटल लेंथ का आधा कर दिया, मुझे क्या मिल गया सेंटर ऑफ मास मिल गया, और मेरा रेफरेंस लेवल इधर है उससे नीचे की तरफ है, तो इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, इसको उड़ा दें क्या, ये वाला वर्क डन मैंने निकाल लिया है तो इसको उड़ा दे रहे हैं, मुझे बस काम का कौन सा है, मैंने कहा ये वाला काम का है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को इधर कोप्चे में लिख देते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने पास ऑलरेडी आ गया है माइनस ऑफ MgL ट्वाइस ऑफ वन प्लस म्यू का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल बन जाएगा भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल बन जाएगा। खैर, तो वर्क डन फ्रिक्शन अपन ने लिख लिया है, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो वो है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है। अच्छा, यू इनिशियल में इस वाले पार्ट का जो जीरो हो गया, ये वाले पार्ट का क्या होगा, मैंने कहा होगा माइनस ऑफ एमजीएच, माइनस ऑफ एमजीएच। एम कौन से वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का भाई साहब, जो कि कितना होगा, मैंने कहा वो होगा m बटा l into लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ है आपके लिए, ये वाली लेंथ है म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू, म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू। एम ये आपका m हो गया यहां से यहां तक, माइनस काय को, माइनस मतलब रेफरेंस लेवल से नीचे है, रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो मैंने माइनस बोल दिया। m ये हो गया है m इंटू आपका लेंथ जो है, m मतलब यूनिट लेंथ का मास इंटू आपने लेंथ कर दिया है, इंटू आपके पास g आ जाएगा, इंटू आपके पास h जो है वो इसका आधा दूरी, यानी ये क्या हो जाएगा म्यू एल अपॉन ट्वाइस वन प्लस म्यू, इतना मैंने कहा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस यू फाइनल, यहाँ पे माइनस आ गया है। यू फाइनल की वैल्यू क्या होगी, यू फाइनल भी मेरे रेफरेंस लेवल से नीचे और पूरा का पूरा नीचे, क्या लेंथ है एल है, सेंटर मास कहां पे होगा L बाई टू पे होगा, तो क्या मैं पूरे के पूरे मास को M को कहां मान लूं, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास पे मानना होगा। अच्छा, यहां पे पूरा मास काहे नहीं माना, अबे ये वाला पार्ट तो जीरो है ना इसका,
इसका ये जो भी मास है उसको पूरा कहां मान लिया, इसके मिड पॉइंट पे ये पूरा मास को कहां मान लिया हमने, यहां पे पूरा मास जो है एम ई ए, तो वहां से तो माइनस ऑफ ये वजह हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई टू, तो ये आपका हो गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहीं पे निकाल रखे हैं अपन, माइनस ऑफ एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ वन प्लस न्यू का होल स्क्वायर, ये आपके लिए क्या मिल जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी तेरे लिए हाफ एम बी स्क्वायर, हर पार्टिकल बी से चल रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है क्यों, क्योंकि इसको रिलीज किया जस्ट जर्क लगा के, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन कौन है, वी ए प्राप्त किया जा सकता है, अगर ये सवाल पूछा जाता कि ये प्राण घातक सवालों में से होगा, फाइव स्टार क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपको पूछ लीजिए, अच्छा इसको आसान करना होता तो क्या करते, मैंने कहा इसको उड़ाते हैं और इसको करते हैं आसान, यहाँ फ्रिक्शन हटा देंगे, फ्रिक्शन हटा देंगे तो जिंदगी हो जाएगी एकदम झिंगा लाला, बहुत बहुत ही आसान है हो जाएगा, एक बार दोबारा देख लेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकाला है और किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम से आप रफ्तार प्राप्त कर सकते हैं, इसका आसान वर्जन करते हैं, पहले टफ वर्जन कर दिया है अभी करते हैं इसका आसान वर्जन, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा आसान करते हैं, मान लो कि ऐसा कुछ हो कैसा हो, हाँ एक टेबल है और जिसपे अपन ने क्या रखी है चेन रखी हुई है, अच्छा इसकी जो टोटल लंबाई है वो मान लीजिए कि कितनी है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर है, यूनिफॉर्म चेन है, कैसी है यूनिफॉर्म चेन है, टोटल लंबाई है 10 मीटर और मास है 20 केजी, कि कितना है 20 केजी, और इसको यहां से रख के और ये स्मूथ क्या है स्मूथ, क्या भाग जाएगी तुरंत, मैंने कहा बिल्कुल भाग जाएगी स्मूथ है, और इसको यहां से रिलीज कर दिया, क्या किया हमने रिलीज कर दिया है, आपसे ये बोला गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ चेन व्हेन इट जस्ट बिकम वर्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन, फाइंड द स्पीड ऑफ चेन, स्पीड ऑफ चेन व्हेन इट जस्ट बिकम वर्टिकल, व्हेन इट जस्ट बिकम्स वर्टिकल, वर्टिकल जब ये जस्ट वर्टिकल हो जाएगी तब आपको इसकी रफ्तार बतानी है, मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अभी हालचाल ये है बाद में कैसा होगा, मैंने कहा ये पूरी की पूरी जो है आपकी 10 मीटर की चेन जो है वो ऐसे रह जाएगी, मैंने कहा इनिशियली आप बताइए क्या हालचाल है, इनिशियली आपके लिए ये वाली जो है वो 6 मीटर है और ये क्या है, मैंने कहा ये है 4 मीटर, ये क्या है 4 मीटर है भाई साहब, अच्छा बहुत बढ़िया, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट जस्ट बिकम वर्टिकल, अच्छा बहुत ही शानदार, ये है आपकी इनिशियल कंडीशन, ये है आपकी फाइनल कंडीशन, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूं मुझे रेफरेंस लेवल लेना चाहिए और तुरंत काम पे लग जाना चाहिए, मैंने कहा मैंने यहीं पे रेफरेंस लेवल ले लिया है, ये मेरे लिए रेफरेंस लेवल हो गया और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू क्या होगा यू फाइनल प्लस के फाइनल, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो जो 12 10 मीटर की लंबाई है 6 और 4 10 मीटर, इसकी इसका मास है 20, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा 2 kg per meter, अच्छा तो ये वाली की कितनी होगी, मैंने कहा ये होगी 12 केजी की और ये वाली होगी 8 केजी की, अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे रेफरेंस लेवल ले लिया तो 12 केजी का एमजीएच क्या होगा 0 और 8 केजी का क्या होगा, मैंने कहा होगा माइनस क्योंकि रेफरेंस लेवल के लिए नीचे है, 8g हो गया आपके पास 10 और हाइट क्या होगा 4k2 मिड पॉइंट पे, ये 8 केजी को कहां मान लेंगे इसके मिड पॉइंट पे, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो mgh की वैल्यू 2 आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, क्यों क्योंकि जस्ट उसको रिलीज किया है तो रफ्तार 0 हो जाएगी, फाइनल जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस ऑफ mgh माइनस ऑफ m, अब जो है इस रेफरेंस लेवल से पूरा का पूरा आपका 20 केजी का मास जो है पूरा का पूरा अब रेफरेंस लेवल से नीचे आ गया, मैंने कहा कितना दूर होगा, मैंने कहा 10 मीटर टोटल होगा लेकिन मिड पॉइंट आपके लिए क्या होगा, मिड पॉइंट आपके लिए 5 मीटर की दूरी पे होगा, यानी कि माइनस ऑफ mgh, m की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, m की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके लिए 20 m
जी इज 10 और एच को आप क्या लेंगे 5 मीटर, एच को क्या लेंगे 5 मीटर हमें लेना चाहिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल है जो कि क्या हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है 20 है, वी की वैल्यू है वी स्क्वायर, यानी हमारे इसकी रफ्तार क्या हो गई है वी हमने मान ली है, तो वी आपकी रफ्तार हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, ओहो हो अच्छा शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें तो वी निकालना आपके लिए कोई टफ चीज है ही नहीं। मैंने कहा कैसे, ये हो गया आपके लिए 80 × 2 − 160 आपके लिए क्या आ गया है, ये आ गया है आपका माइनस ऑफ 100। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, प्लस आपके लिए क्या आ गया है, प्लस आपके लिए आ गया है 10 V² 10 V², तो इसको इधर ले जाइए 1000 − 160, तो ये आपके पास के कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, 40 + 60 840 आपके पास है 10 V², 0 से 0 कट गया भाई साहब, वी की वैल्यू आएगी √84 m/s। तो एक सस्ता सवाल बन गया ये, क्यों क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। थोड़ा टफ करें क्या, मैंने कहा हाँ टफ करने में तो मजा आता है, ये तो चंपकलाल किस्म का कोई भी कर ले, मेडिकल वाले कर लेते हैं है ना, तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। मैंने कहा डिफिकल्ट क्या, हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप करके देखो हम तुरंत कर कर डालेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया हो यार, हम क्या कर रहे हैं इस बार, मैंने क्या किया है इस बार मैंने क्या किया, एक स्मूथ इस तरह का पाइप लिया है ना, और क्या किया यहां से ये ऐसे है, यहां से खुला है, यहां से खुला है, और इसका रेडियस मान लीजिए क्या है आर है। अच्छा और यहां पे अपन एक चेन लगा रखी, इसके अंदर एक चेन है। अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसे 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 टे टे एक सेमी सर्कुलर चेन है जिसका मास आपके पास क्या है यूनिफॉर्म है, कैसी है यूनिफॉर्म है, मास आपके पास क्या हो गया है, मैंने कहा एम दिया हुआ है, लेंथ तेरे को दिखाई दे रही है पाई आर होगी, ये ऐसे रखी होगी और ये स्मूथ है, कैसा है ये कार्यक्रम स्मूथ है, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, फिक्स्ड है, इनका बहुत बढ़िया भाई साहब। अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से सोचें, ध्यान से सोचें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, अब ये ऐसे इक्विलिब्रियम, मैंने ये थोड़ा सा जर्क लगाया यहां पे, क्या लगाया जर्क, थोड़ा सा खींचा से टिक, अब क्या होगा भाई साहब ये स्लिप बाहर आने लगेगी, नहीं फाइंड द स्पीड ऑफ फाइंड द स्पीड ऑफ चेन when it will become just vertical हो जाएगी भाई साहब, just vertical हो जाएगी, तब आपको क्या करना है इस वाले चेन की रफ्तार पता करनी, तब आपको क्या करना है इस वाले चेन की रफ्तार पता करनी है, यानी जब ये ऐसी हो जाए डर, ये आपके लिए है इस तरह का आइटम डर टिक टिक टिक, यहाँ पे चेन आपके पास हो जाएगी डी जस्ट वर्टिकल हो जाएगी, और ये इधर की तरफ जा रही है वी रफ्तार से, कैसे जा रही है वी रफ्तार से उधर की तरफ जा रही है, तब आपको पूछा है कि वो वी रफ्तार क्या होगी, तब आपको पूछा है कि वो वी रफ्तार क्या होगी, अब आप फैल गए भाई साहब ऐसे हो रखी है फिर नीचे चली गई। अच्छा इसकी लंबाई क्या होगी, तो कोई भी बोल देगा क्या लंबाई होगी, मैंने कहा इसकी लंबाई होगी पाई आर, क्या होगी पाई आर, कास्ट तुझे सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होता, मान लो कि सेंटर ऑफ मास का नॉलेज भी नहीं है, अपन बातें कर रहे हैं बगैर उसके, ये है आपके लिए रेफरेंस लेवल, ये क्या है रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से मतलब जो है एक मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुझे इसकी क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मुझे करना यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल करना है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, एमजी लग रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी तो एमजीएच होती है, लेकिन जी एच एम तो पता है, जी पता है, एच क्या लू, ये लू क्या,
वैसे तो 2r बटा पाई आता, वैसे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आता है, यहां आता है। प्रूव कर सकते हैं अपन आगे के चैप्टर्स में, 2r डिवाइडेड बाय पाई मान लो तो बहुत बढ़िया, मान लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और तरीके से कर सकते हैं आप, मतलब सीधा इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं एम जी एच और एच को लिख दो 2r बटा पाई, सेमी सर्कल के लिए सेंटर ऑफ मास जो है यहां से 2r बटा पाई पे आता है। अपन आगे प्रूव कर, खैर अगर मान लो कि ये भी नहीं पता अपने को, अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे थीटा पे गए और एक एलिमेंट ले लिया डी थीटा का, क्या लिया है डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, ये वाले पार्ट का मास क्या होगा, एक छोटा सा मास होगा डीएम, वो डीएम की वैल्यू क्या होगी, वो डीएम की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब टोटल मास है आपका एम, और लंबाई क्या है, मैंने कहा लंबाई है पाई आर, और हमारी ये वाली लंबाई क्या है, हमारी लंबाई है ये वाली आर डी थीटा, ये आर है और ये डी थीटा, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी आर डी थीटा, तो यूनिट लेंथ का मास इंटू आर डी थीटा कर दिया तो डीएम मिल गया, और इसकी रेफरेंस लेवल से हाइट क्या होगी, मैंने कहा ये वाला एंगल है आर और ये वाली हाइट आपके लिए जो एच आएगी इसके लिए, इसके लिए एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके लिए आर साइन थीटा, क्या आ जाएगी आर साइन थीटा, मैंने कहा अच्छा आर साइन थीटा हाइट आ जाएगी, तो इस छोटे से पार्ट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी मेरे लिए डीएम जी एच, डी एम 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 जी एच, एच की वैल्यू क्या है आपके लिए आर साइन थीटा, यानी डीएम की वैल्यू मेरे लिए हो गई है एम डिवाइडेड बाई पाई आर, सॉरी पाई आर और पाई आर से आर आर काट दीजिए तो एम बटा पाई डी थीटा है, यानी डीएम हो गया है, जी अपने लिए जी है, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है आर साइन थीटा इंटू आपका भाई ये डी थीटा लिख लिया मैंने, ये मेरे को डी यू आ गया, मुझे अगर यू चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, थीटा मेरा जीरो से लेके कहां तक जाएगा, जीरो से लेके पाई तक जाएगा, तो ये हो गया है एम जी आर बटा पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, क्या होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट जीरो से पाई, माइनस बाहर रख दीजिए, कोस पाई होता है माइनस वन, माइनस वन यानी टू आ गया है, ये वाली वैल्यू टू आ गई, तो ये मेरे लिए हो गया है एम जी आर इंटू टू डिवाइडेड बाई पाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है एम जी टू आर बटा पाई, टू आर बटा पाई, तो हम तो पहले ही बोल रहे थे मान जाओ कि हाइट का मतलब क्या हाइट है आपकी 2r बटा पाई है, बगैर इसका नॉलेज, बोले कि सेंटर ऑफ मास तो खैर अपन आगे पढ़ेंगे ही सही, लेकिन बगैर उसके भी तो आप आराम से कर सकते हैं, एलिमेंट लो इंटीग्रेट करो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने को प्राप्त हो गई, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, अगर ये रेफरेंस लेवल है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास एम जी टू आर बटा पाई, एम जी टू आर डिवाइडेड बाई पाई है, काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो, क्योंकि जस्ट आपने जब देके स्टार्ट किया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब ये रेफरेंस लेवल से पूरी की पूरी नीचे आ गई है, नेगेटिव हो जाएगी माइनस ऑफ एम जी एच, और एच जो है सेंटर ऑफ मास की हाइट है सीधी है तो वाई डिवाइडेड बाई टू पे आ जाएगा ना यार, लेंथ है पाई आर, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी पाई आर डिवाइडेड बाई टू, यानी कि माइनस ऑफ एम जी एच की वैल्यू हो जाएगी पाई आर डिवाइडेड बाई टू एम जी एच, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर सॉल्व करके क्या अपन भी पता कर सकते हैं, इनका बिल्कुल पता किया जा सकता है, बिल्कुल पता किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ये एक टफ सवाल हो गया, अरे आगे नहीं यार ये आप थोड़ा क्या टफ है, पता कर सकते हैं, सेंटर मास पता होता तो 2r बटा पाई को ऐसे ही पता था, ना भी पता होता क्या इंटीग्रेट करके किया जा सकता, मैंने कहा हाँ खूब सारे सवाल आज हमने देखे हैं, थोड़ा सा एक सवाल ऐसा और बनाए क्या, नहीं सब मैं ही बनाऊंगा तू क्या करेगा, एक सवाल होमवर्क में देते हैं, एक सवाल क्या करते हैं अपन होमवर्क में देते हैं, जिससे कि क्या होगा तुम खुद से थोड़ा ट्राई करो, और खूब सारे सवाल तो हमने देखे हैं, आगे वाले लेक्चर में भी देखते हैं, फिर अपन बातें करते हैं पावर वगैरह की, तो अपन वर्क की बातें कर रहे हैं, एनर्जी की बातें हो गई है, वर्क और एनर्जी को रिलेट कर दिया है हमने कहां पे, वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम में अपने वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क और एनर्जी जो है आपस में यहां पे रिलेट हो गए, लेकिन हमें पता था हमारे चैप्टर का नाम था वर्क एनर्जी एंड पावर, काम करने के लिए इनकी जो रेट है यही हुई हमारे लिए क्या होती है पावर, तो उसकी बातें भी अपन करेंगे, पहले खूब सारे और भी सवाल करेंगे, खैर एक सवाल हमको लगता है होमवर्क में दे देना चाहिए, मान लो कि मैंने आपको एक सवाल दिया है ऐसा दे दिया यही वाला जो है इसी वाले को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लो कि ये ऐसा यहाँ पे ये है स्मूथ और रेडियस मान लेते हैं क्या है आर है, ये आपके पास स्मूथ सरफेस है, कैसी है ये आपके पास है स्मूथ सरफेस, और
अपन मान लेते हैं कि अपने पास एक चेन है, डी 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 डी। इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये एंगल है 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री है। और चेन की खास बात ये है कि अच्छा ये स्मूथ है, ये तो बोल दिया। ये जो चेन है मैंने कहा इसका लीनियर मास डेंसिटी आपको क्या दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा गिवन है। लीनियर मास डेंसिटी इज लैम्डा केजी पर मीटर, लैम्डा केजी पर मीटर है। और ये एंगल 30 डिग्री, यहां से इसको क्या किया गया है, रिलीज कर दिया, क्या किया है रिलीज कर दिया। और ये फिक्स्ड है, ये आइटम क्या है, ये फिक्स्ड है भाई साहब, ये फिक्स्ड है। अब क्या ये इधर की तरफ भागेगी, मैंने कहा जब ये यहां पहुंच जाएगी कहां पे कि इसका माहौल कुछ ऐसा हो जाएगा टिक 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 टिक, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तब इसकी रफ्तार रहेगी इधर वी है ना, ये वी रफ्तार से शून्य ऐसे जा रही होगी, तेरे को क्या पता करना है वी प्राप्त करना, समझ गए ना सवाल को। यहां से रिलीज किया, जब ये यहां पे ये वाला एंगल 30 हो जाएगा तब इसकी रफ्तार क्या होगी चेन की, यहां पे जस्ट रिलीज किया गया है यानी इनिशियल रफ्तार 0 है, बस UI प्लस क्या इज इक्वल टू प्लस K फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए। तो इसको रख देते हैं आप होमवर्क में, थोड़ा सा खुद से इसको करिएगा ट्राई, और मतलब जो है वर्क एनर्जी के बारे में अपने खूब सारे सवाल सॉल्व किए हैं, अगले वाले लेक्चर में और सॉल्व करते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं पावर पे और धीरे धीरे इस चैप्टर के समापन समारोह की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना और अपनी पढ़ाई का, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा और होमवर्क वगैरह करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।